आई सर के इस मॉडल के अंदर आपको इस ट्रैक्टर का जो पीटीयू मिलता है इतना शानदार मिलता है। इस ट्रैक्टर के पीटीयू में लकड़ी को भी भूसा बनाने की क्षमता है। और अब इस ट्रैक्टर का जो यहाँ आप टापलिंग होल्डर बार देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी ने जो है पट्टा को हटा के टोटली जो है देख सकते हैं कंप्रेसर सिस्टम कर दिया है, जिससे इसकी जो परफॉर्मेंस है और भी ज्यादा शानदार हो गई है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको जो इस ट्रैक्टर के एक्सल हैं बहुत हैवी ड्यूटी एक्सल मिलते हैं और फेंडर के बीच में बहुत ही शानदार आपको गैप देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। साथ में यहाँ आगे की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, इस ट्रैक्टर में जो है आपको नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट एक्सल मिलते हैं। और इस ट्रैक्टर के फ्रंट बम्पर में आपको जो है 75 kg का फ्रंट बम्पर ऑफर करती है कंपनी। साथ में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंपनी जो है आपको डबल हाई पंप देती है। इसमें जो है आपको स्टेयरिंग और हाइड्रोलिक पंप मिलता है और ये जो है बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता है हैवी लोड के साथ काम करने में। साथ में यहाँ कंपनी जो है आपको बॉश कंपनी का फ्यूल इनलाइन पंप ऑफर करती है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं VK ऑटोमोबाइल आईसर ट्रैक्टर एजेंसी, जो कि कटंगी रोड जबलपुर में स्थित है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आईसर के लेटेस्ट मॉडल जो कि अब 5-स्टार रेटिंग के साथ में आने लगे हैं, आईसर 548 का फुल रिव्यू करेंगे, साथ में इसकी खूबियों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें जो है फ्रंट में आपको आईसर का लोगो मिल जाता है, दो हेलोजन लाइट बहुत अच्छी विजिबिलिटी के साथ में आती हैं। यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर में 5 जो है डंडी मिलती हैं जो कि इस ट्रैक्टर की 5-स्टार रेटिंग को प्रदर्शित करती हैं। साथ में यहाँ पर जो है आपको 548 5-स्टार और आईसर की जो बैजिंग है वो अब इस ट्रैक्टर में 3D के साथ में आने लगी है। साथ में इस ट्रैक्टर में जो है आपको ग्रे, येलो और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में स्टिकर मिलते हैं, जिससे इस ट्रैक्टर की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में पहले के मुकाबले अब। साथ में इस ट्रैक्टर में यदि अपन थोड़े से फीचर्स की बात करें तो ये जो ट्रैक्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल क्लच के साथ में आता है, मतलब इस ट्रैक्टर में जो है आपको डुअल क्लच मिलती है, जिससे आप इस ट्रैक्टर का PTU साथ में इस ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर का जो बोनट है 45° एंगल में खुलता है। और इसके यदि हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है आपको 2945 cc का 3 सिलेंडर 48 hp का नेचुरली स्प्रेटेड इंजन मिलता है, जो कि 540 से लेके 2200 स्टैंडर्ड RPM तक वर्क करता है। साथ में यहाँ पर आपको जो है इस ट्रैक्टर का सेपरेट हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग ऑयल पंप यहाँ पर आपको कंपनी पोजीशन देती है। और यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का इंजन ऑयल फिल्टर, साथ में यहाँ पर डीजल फिल्टर और यहाँ पर आपको जो है वाटर स्प्रेटर मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है एज अ समतल प्लेटफॉर्म, सीट जो है आपको मल्टी एडजस्टेबल, अपनी कदकाठी के हिसाब से हर इंसान जो है एडजस्ट कर सकता है। कंपनी इसमें आपको जो है फ्रंट में नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल देती है। साथ में इसमें जो है आपको 75 kg का कंपनी फिटेड बम्फर मिलता है, जो कि आपको इस ट्रैक्टर की बेहतर स्टेबिलिटी बनाए रखता है। फ्रंट टायरों की बात करें तो कंपनी यहाँ पर जो है आपको MRF का 750/16 का अगला टायर, साथ में पिछले में बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको MRF का 14/9/28 टायर साइज का जो है कंपनी टायर ऑफर करती है। साथ में यदि हम थोड़े से राइट तरफ से इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ जो है आपको 3 सिलेंडर मिल जाते हैं। इसमें जो है आपको 12 volt 2.5 kW की सेल्फ स्टार्टर मोटर, साथ में यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं इस ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग का जो है ऑयल फिल्टर यहाँ पर उसकी जो है पोजीशन रखी गई है। और इसकी जो आप इससे कनेक्टिविटी जो है आप यहाँ पर स्पष्ट तौर से देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का बैटरी बॉक्स मिलता है, जिसमें आपको 12 volt 75 Ah की बैटरी मिलती है। और इस ट्रैक्टर में अब जो है डोजर इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए कंपनी यहाँ पर आपको जो है पॉइंट्स इंस्टॉल करके देती है, जिससे आप इस ट्रैक्टर में डोजर वगैरह इंस्टॉलेशन ले सकते हैं। साथ में अब अपन चलते हैं इस ट्रैक्टर के पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ से जो है आपको कुछ इस ट्रैक्टर का इस तरह से लुक आता है। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का मल्टी गियर स्पीड 360 mm गहराई के साथ में वर्क करने वाला जो है एक ताकतवर जो है परफॉर्मेंस करने वाला, यहाँ पर आपको मल्टी गियर स्पीड 8 forward 3 reverse gear ऑप्शन के साथ में आने वाला PTU मिलता है। और यहाँ कंपनी ने जो है पट्टा हटा के आपको टोटली कंप्रेसर टापलिंग होल्डर बार दे दिया है, जिससे इसकी जो परफॉर्मेंस है और भी ज़्यादा शानदार हो गई है। साथ में यहाँ पर आपको जो है सिंगल ऑक्जनरी वॉल्व मिल जाता है, जिससे हम इस ट्रैक्टर में टाली अप डंप का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको वाटर स्टोरेज करने के लिए 2 लीटर का वाटर स्टोरेज, सीट के पीछे आपको रिफ्लेक्टर, और साथ में इस ट्रैक्टर के फेंडरों में आपको काफ़ी अच्छा जो है यहाँ गैप देखने के लिए मिल जाता है, जिससे इस ट्रैक्टरों में बरसात के दिनों में
मचौआ वगैरह करने में जो है इस ट्रैक्टर के फेंडरों में आसानी से मिट्टी नहीं बुझती और इस ट्रैक्टर के फेंडर ना फैलें, इसलिए यहाँ कंपनी जो है आपको एक पाइप इंस्टॉल करके देती है जिससे इस ट्रैक्टर के जो फेंडर हैं वो कभी नहीं फैलते। साथ में इस ट्रैक्टर में यदि हम लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें जो है आपको 2000 केजी की बेहतर क्षमता वाली लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है जो कि एक बड़े से बड़े एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को ऑपरेट और हैंडल करने के लिए सफिशेंट मानी जाती है। साथ में इस ट्रैक्टर में जो टूल बॉक्स की पोजीशन है इस ट्रैक्टर के राइट तरफ के फेंडर से अटैच करके रखी गई है और इस ट्रैक्टर में जो है आपको इस ट्रैक्टर के बोनट के ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का 3-स्टेज ऑयल बाथ जो है एयर क्लीनर मिल जाता है। अब अपन चलते हैं इस ट्रैक्टर के ऊपर। तो अब जो है हम इस ट्रैक्टर के ऊपर आ चुके हैं। इस ट्रैक्टर में जो है आपको मीटर कंट्रोल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको इस ट्रैक्टर के डिजिटल मीटर में जो है समय कितना हुआ है और साथ में ट्रैक्टर टोटल कितने घंटे चला है और ट्रैक्टर के RPM की इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ में यहाँ पर जो है आपको फ्यूल इफिशेंसी, यहाँ पर बैटरी सर्विस रिमाइंडर, ट्रैक्टर का टेम्परेचर और ट्रैक्टर का ऑयल टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन आपको इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है। यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर में जो है पावर स्टीयरिंग का जो है कि ऑप्शन के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। साथ में इस ट्रैक्टर में जो है आपको गियर पोजीशन की बात करें तो ड्राइवर के राइट साइड में आपको इस ट्रैक्टर के मेन चार गियर और इसी में जो है आपको रिवर्स गियर का ऑप्शन दिया जाता है। साथ में ड्राइवर के लेफ्ट साइड में आपको इस ट्रैक्टर में लो हाई का जो है गियर मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में सिंक्रोमैक्स PTU गियर मिलता है जिससे इस ट्रैक्टर के सिंक्रोमैक्स PTU गियर बॉक्स की जो लाइफ है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और मोबाइल चार्जिंग जैसी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ कंपनी जो है आपको 12 वोल्ट की मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी के लिए सॉकेट वायर देती है। साथ में मोबाइल यहाँ पर जो है आप कैरी करके रख सकते हैं। दोस्तों आइसर में यदि हम फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में फ्यूल कंजप्शन काफ़ी कम है अन्य सभी कंपनी जानते हैं। आइसर के जो ट्रैक्टर हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार माइलेज और साथ में एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इन ट्रैक्टरों का जो मुकाबला है PTU के अंदर और परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये रिव्यू हमें कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा और भी इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल रियल एग्रीकल्चर बाइट को। जय जवान जय किसान।